संदेशे भेजने वाले कबूतर, गैस्ट्रिक ब्रॉडिंग मेंढक, डोडो पक्षी और ऊनी मेमथ, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है कि यह सब विलुप्त हो चुके हैं। जबकि साइंटिस्ट ने यह बताया है कि लगभग 500 करोड़ प्रजातियां इस प्लेनेट पर आ और जा चुकी हैं। लेकिन क्या हो अगर उन्हें हम वापस ले आए, क्या हो अगर एक्सटिंक्शन एक परमानेंट चीज ही ना रहे। फिलहाल साइंटिस्ट ऐसी नई जेनेटिकल टेक्निक को यूज कर रहे हैं जिससे कि इन प्रजातियों को वापस लाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ऊनी मेमथ दोबारा धरती पर घूम सकते हैं। ये बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में हो सकता है। तो फिर हम कितना नजदीक हैं इस डी एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त हुई प्रजातियों को वापस लाने में। इसे समझने के लिए इस वीडियो में अगले से 2 से 3 मिनट तक बने रहिएगा। मैमस एक काफी विशाल जानवर थे जिन्होंने सदियों तक बर्फीले ध्रुवीय आर्कटिक पर अपना राज किया था, लेकिन बड़े ही अजीब ढंग से यह धरती से धीरे धीरे गायब हो गए, जिसके पीछे वैज्ञानिक सोचते हैं कि इनकी विलुप्ति हो जाने तक इनका शिकार किया गया होगा। जितनी भी प्रजातियां हाल ही में विलुप्त हुई हैं, वो इसलिए हुई क्योंकि हमने उनका घर तबाह कर दिया, उनके एरिया में कई सारी नई प्रजातियां छोड़ दी और उन्हें व्यापार या शौक के लिए एक बड़ी तादाद में मार दिया। जैसे कि पैसेंजर कबूतर, जो कि इतनी बड़ी संख्या में वातावरण में मौजूद थे कि इनकी विलुप्ति के बारे में सोच पाना असंभव था, लेकिन यह भी हमने संभव बना दिया। वैसे तो यह नॉर्मल है कि किसी भी स्पीसीज का उसकी एज हो जाने पर या इवोल्यूशन के चलते वह खत्म हो जाती है, लेकिन साइंटिस्ट ने हाल ही में एक बड़ी संख्या में हो रहे मास एक्सटिंक्शन को होलोसीन नाम दिया है, जिसकी वजह जाहिर तौर पर हम इंसान ही हैं। और यह विलुप्ति की दर 1000 से 10000 गुना तेजी से बढ़ रही है, यानी कि हर दिन 2 दर्जन से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जबकि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि 21st सेंचुरी के खत्म होने तक प्लैनेट अर्थ की 30 से 50% तक की सभी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी क्या होगा अगर हम एक्सटिंक्शन को रोक दें या एक्सटिंक्ट हो चुके जानवर को वापस ले आए। साइंटिफिकली ऐसा करने के लिए हमें एक डीएनए, एक एग सेल और एक सेम स्पीसीज की माँ की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जोरासिक पार्क को रियल बनाने की कई लोगों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि डायनासोर इतने ज्यादा पुराने हैं कि उनके सारे बॉडी केमिकल्स मिट्टी बन चुके हैं। अभी हमारे पास डायनासोर के डीएनए को पाने का कोई भी जरिया नहीं है, और शायद इसीलिए हम डायनासोर को नहीं बना सकते, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि एक डायनासोर का जीनोम कैसा दिखता है। लेकिन अगर मरी हुई प्रजाति सिर्फ 10,000 साल से लेकर 1,00,000 साल तक पुरानी हुई, जिसके पुरातत्व यानी फॉसिल्स हमें अच्छी कंडीशन में मिल सके, उनसे हम बशर्ते उनका डीएनए निकाल सकते हैं। अब क्योंकि मैमथ डायनासोर जितनी पुरानी प्रजातियां नहीं थी, इसलिए इस पर साइंटिस्ट एक्चुअली में काम कर रहे हैं। जब वैज्ञानिक आर्कटिक की तरफ गए थे तो वहां उन्हें बर्फ में दबे हुए मैमथ की बॉडी मिली थी, जो कि काफी अच्छी कंडीशन में थी, एंड यहीं से हमें एक अच्छा डीएनए मिलने की उम्मीद जागी थी, जिसकी बदौलत हम मैमथ्स को धरती पर एक बार फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन थांबा, खुश होने से पहले पूरी बात तो सुन लो। डीएनए एक समय के बाद टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी हाफ लाइफ 521 साल तक की होती है। मतलब हमें जो भी डीएनए मिला है वह टूटी फूटी अवस्था में मिला है, और न्यू मैमथ का क्लोन बनाने से पहले हमें इस डीएनए को काट पीट कर रीबिल्ड करना होगा। अब क्लोनिंग ही ऐसी चीज है जिससे हम किसी जानवर की प्रजाति को पुनर्जीवित कर सकते हैं, और हम ऐसा करने में सफल भी हुए हैं। याद है ना डॉली द क्लोनिंग शीप, और हम कई सारे गाय, भैंस, सुअर, ऊंट, मेंढक और चूहों पर भी इसे आजमा चुके हैं। लेकिन क्लोनिंग के लिए डीएनए भी उसी प्रजाति का एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एंड मैमथ के केस में ऐसा नहीं है। मतलब हम कभी भी एक हूबहू मैमथ को वापस नहीं ला पाएंगे। पर एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्रिस्पर, जिसमें किसी डीएनए को बैक्टीरिया द्वारा काट कर कटे हुए हिस्से पर एक नए डीएनए के हिस्से को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि टूटे फूटे डीएनए की मरम्मत हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव डेवलप हो जाते हैं, एंड इस मिले जुले डीएनए से एक हाइब्रिड टाइप स्पीसीज को जन्म दिया जा सकता है। सो गाइस, पूरी धरती पर इस समय एशियन हाथी का डीएनए ही 99% मैमथ के डीएनए से मैच करता है। यानी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के यूज से मैमथ के टूटे फूटे डीएनए को हाथी के डीएनए से जोड़ने की कोशिश चल रही है, लेकिन इनके हाइब्रिड डीएनए से हाथी और मैमथ की मिलीजुली हाइब्रिड प्रजाति का आविष्कार होगा, जो कि हाइट में एशियन हाथी से बड़ा और मैमथ से थोड़ा छोटा होगा, और वह पूरी तरीके से ऊनी बालों से भरा हुआ होगा। अब कई साइंटिस्ट इस प्रक्रिया के दौरान रिपेयर डीएनए को एशियन हथनी के गर्भाशय में पहुंचाकर मैमथ का जन्म करवाने के खिलाफ हैं, क्योंकि हो सकता है कि हथिनी मैमथ जैसे विशालकाय जानवर के बच्चे का वजन सह ना पाए,
तो साइंटिस्ट इसका ध्यान रखते हुए मैमथ का जन्म एक आर्टिफिशियल गर्भाशय में करवाने की सोच रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे पास ऐसी तकनीक और मशीनों की भले ही कमी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैमथ के पुनर्जागरण का यह मिशन आने वाले एक दशक में पूरा हो जाएगा और हम अपनी अगली जनरेशन के साथ हाथी और मैमथ के डीएनए से मिलकर बने हुए हाइब्रिड मैमथ को धरती पर घूमते हुए देखेंगे। लेकिन फिर भी इन विशालकाय जीवों को फिर से धरती पर वापस लाना क्या एक ठीक कदम होगा या नहीं, क्योंकि कई धर्मगुरुओं का यह कहना है कि मरे हुए को जिंदा करना एक अनैतिक कार्य है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इस पर दो टुक बटे हुए हैं। एक ग्रुप यह कहता है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाकर इसे अभी विलुप्त होने की कगार पर बैठी प्रजातियों को बचाने में खर्च करना चाहिए, जबकि दूसरा ग्रुप यह कहता है कि एक बार मैमथ जैसे जीवों को आर्कटिक में फिर से एक बड़ी तादाद में छोड़ दिया जाए तो क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, क्योंकि इन जानवरों के बर्फ के ग्लेशियर्स पर धमधम करके घूमने पर यह उन पर दबाव बनाकर रखेंगे और उनमें दरार पड़कर उन्हें टूटने या पिघलने से बचाएंगे, प्लस बर्फ में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस को भी यह बाहर निकलने से बचाएंगे जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो दोस्तों यह तो क्लियर है कि हम इंसानों के पास तेज दिमाग और आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिससे हम बहुत सी विलुप्त प्रजातियों को वापस जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा करना मानवता के लिए या प्रकृति के लिए ठीक साबित होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड ऐसी ही 4-5 मिनट की साइंस स्पेस और एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।